हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ जानकारियाँ बताने जा रहा हूँ। आज हम बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। यह मंदिर चारों धामों में से सबसे प्राचीन माना जाता है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह मंदिर 6 माह के लिए खुलता है। शरद ऋतु में यहाँ पर हॉर्स क्लाइमेट होता है, जिसके कारण से यहाँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रास्ते में खूबसूरत वादियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अलकनंदा नदी बह रही है। अलकनंदा नदी का बहुत सुंदर व्यू है। आप यहाँ देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन। जैसे कि माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप में बद्रीनारायण जी की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में समीपक नारद कुंड से निकाल कर स्थापित किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन आपको हो रहे हैं। यहाँ अलकनंदा नदी को आप देख सकते हैं। यहाँ लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष भगवान विष्णु जी के दर्शन करने आते हैं। बद्रीनाथ धाम को बद्री विशाल जी के नाम से भी जाना जाता है। समागम हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ सामने दृश्य है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। हमें सौभाग्य मिला कि अंदर कुछ देर रुक सकें। पताका लहरा रही है, जैसे आप देख सकते हैं भगवान विष्णु की। मैं आपको लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। जय भगवान बद्री विशाल। आप यहाँ नीचे देख सकते हो कितना सुंदर पानी दिखाई दे रहा है अलकनंदा जी का। ये सरस्वती नदी है। यहाँ पर आपने सुना होगा भीम पुल है। इसके समीप एक चाय की आखिरी दुकान भी है। क्या निर्मल धाराएं बह रही हैं सरस्वती की। यहाँ से आगे सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। हम लोग यहाँ से आगे वसुधारा भी गए हैं। भीम पुल के दर्शन आपको हो रहे हैं। नीचे सरस्वती नदी है। यहाँ से हम लोग वसुधारा गए। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है, जैसे कि आपने सुना होगा। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी वसुधारा के नज़दीक। थैंक यू वेरी मच।